हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर. स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है होमोनियम्स एंड होमोफोन्स. जेके एसएसबी के सभी एग्जाम्स में दिस टॉपिक इज मेंशनड और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स बेसिस पर ही क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं. ठीक है, सो आज हम ये टॉपिक करेंगे. वी विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. एंड एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज नॉट अ लाइव लेक्चर, इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर. ठीक है, मैं कल आप लोगों का जो क्लास होगा नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली मैं लाइव ले लूंगी. आज का जो सेशन है मैं लाइव नहीं ले पा रही थी, इसलिए आई मेड अ रिकॉर्डेड सेशन फॉर यू ऑल. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे टॉपिक के साथ. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट होमोनियम्स एंड होमोफोन्स आर, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेसिस पे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. होमोनियम्स क्या होते हैं और होमोफोन्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोनियम्स क्या होते हैं. होमोनियम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, वैसे वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वैसे वर्ड्स जिनका क्या होगा, स्पेलिंग क्या होता है, सेम होता है. मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनका स्पेलिंग सेम होता है, जिनका प्रोनंसिएशन सेम होता है. प्रोनंसिएशन होता है बोलने का तरीका. जब आप उसे स्पेल करते हो, आप बोलते हो एक वर्ड को, तो वो तरीका बोलने का, उसे हम बोलते हैं प्रोनंसिएशन. प्रोनंसिएशन सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. ठीक है, द वर्ड्स विच हैव सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं होमोनियम्स. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वर्ड बैट. ठीक है, बैट वर्ड तो सबने सुना है. अब ये वर्ड्स के भी हमारे पास डिफरेंट मीनिंग्स निकल कर आते हैं. पहला, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एक बैट जो हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं, बैट एंड बॉल वी यूज इन क्रिकेट, वी यूज टू प्ले क्रिकेट बैट. तो जो क्रिकेट में यूज़ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैट कहते हैं. और एक होता है बैट जिसे हम हिंदी में चमगादड़ कहते हैं. ठीक है, फ्लाइंग मैमल, पढ़ा होगा आप लोगों ने बायोलॉजी में, या इसके बारे में आपको जनरली पता भी होगा, जिसे हम चमगादड़ कहते हैं. चमगादड़ को भी इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बैट ही कहते हैं. फ्लाइंग मैमल जिसे हम बैट कहते हैं. तो अब यहाँ पर इस वर्ड के लिए आपने नोटिस किया कि इसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल कर आते हैं. एक मीनिंग वो क्रिकेट वाला बैट, एक ये वाला बैट, लेकिन इन दोनों ही केसेस में इसके स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है. तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोनियम्स कहते हैं. देयर आर मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. आप लोगों ने ये टॉपिक अगर इससे पहले पढ़ा होगा, क्योंकि दिस इज़ द रिविजन सीरीज, तो डेफिनेटली आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपने ऐसे वर्ड्स बुक्स में या जो भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं आपने देखे होंगे. ठीक है, तो ये होते हैं होमोनियम्स. क्लियर टू एवरीबडी? अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, जो है होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन तो सेम होता है. ठीक है, प्रोनंसिएशन एज इन बोलने का तरीका तो सेम होता है, लेकिन जब हम उसके स्पेलिंग्स की बात करते हैं या फिर उस वर्ड के मीनिंग की बात करते हैं वो डिफरेंट होता है. ठीक है, वर्ड्स which have same pronunciation but different spelling and different meaning are called as homophones. Simple sa example lete hain, cell and cell. These two words are what? These words are homophones. Dono ka pronunciation kya hai? Cell. है ना, लेकिन स्पेलिंग देखा जाए तो डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. इसका मतलब क्या होता है? बेचना. सेल करने का मतलब क्या होता है? बेचना. है ना, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ हिंदी में, सो दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबडी. और ये सेल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोल दूँ प्रिजन सेल, जहाँ पर
बंदी बनाकर रखा जाता है, जैसे जेल में रखा जाता है, उसे भी हम सेल बोलते हैं, ठीक है। जनरली बैटरी, उसे भी हम सेल बोलते हैं। आप एक्सेल पढ़ते हो, आप लोग एक्सेस पढ़ते हो कंप्यूटर में, उसका भी जो पार्ट होता है उसे भी हम सेल बोलते हैं। तो डिफरेंट मीनिंग्स निकल कर आते हैं। तो दीज हैव डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग, बट बोलने का तरीका, प्रोनंसिएशन सेम होता है। तो यही होते हैं होमोफोन्स एंड होमोनियम्स। अब जैसे कि मैंने बताया, इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एग्जाम में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपको क्वेश्चन दिया होगा चूज द प्रॉपर और अप्रोप्रिएट होमोफोन और होमोनियम टू फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल कर आता है, सेंटेंस का एक्सप्रेशन सेंस क्या निकल कर आता है, अकॉर्डिंगली आपने वर्ड चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें, हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ड्यू ड्यू, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स के स्पेलिंग डिफरेंट है, ऑब्वियसली मीनिंग भी डिफरेंट होगा। ये हो गया होमोफोन। अब इन दोनों वर्ड्स की बात करें तो ये दोनों वर्ड्स का प्रोनंसिएशन सेम है, दोनों को ही हम डो बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, तो ये भी होमोफोन्स हैं। अब यहाँ पे क्या लगेगा ये हमको देखना है। द डैश ऑन द ग्रास स्पार्कल्ड इन द मॉर्निंग सनलाइट, डैश ऑन द ग्रास। अब यहाँ पर डू का मतलब क्या होता है, कुछ करना, इट इज़ अ वर्ब, डू दिस वर्क फॉर मी, ये काम मेरे लिए करो, कोई एक्शन परफॉर्म करना, डू, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल लूँ कि आपके कुछ अमाउंट जो है वो ड्यू है, मतलब पेंडिंग है ना। नेक्स्ट ड्यू, ड्यू हम किसे बोलते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो आप लोग यूजुअली नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में ग्रास में देखते हो, लीव्स पे देखते हो, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं, उन्हें हम लोग ड्यू कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रास पर ऑब्वियसली दिस वन विल बी देयर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, द ड्यू ऑन द ग्रास स्पार्कल्ड इन द मॉर्निंग सनलाइट। क्लियर टू एवरीबडी, ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग साथ साथ आंसर गेस करो। सेकंड क्वेश्चन देखो और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। एज द डैश इज टू टाइट आई कैन नॉट अनटाई द रोप, ऑप्शन है नॉट 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 नॉट। अब ये यहाँ पर देखा जाए तो चारों वर्ड्स का प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग और ऑब्वियसली मीनिंग भी डिफरेंट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज द डैश इज टू टाइट आई कैन नॉट अनटाई द रोप, इसका मतलब तो क्या होता है, नहीं, नॉट का मतलब नहीं, ये नॉट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जब टाई अप किया हो, गांठ, नॉट को हम हिंदी में बोलते हैं गांठ, नॉट एंड नॉट, इनका मतलब होता है समथिंग विच इज़ वर्थ ज़ीरो, विच वर्थ ज़ीरो, ठीक है, कुछ ऐसा जिसकी वर्थ जो है बहुत कम है या फिर ज़ीरो है, जिसकी वर्थ क्या है, नथिंग के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है, नथिंग, जिसकी वर्थ ज़ीरो है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है वैसे। अब यहाँ पर क्या टाइट होगा, गांठ बहुत टाइट है कि मैं उसे अनटाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे खोल नहीं पा रहा हूँ, तो कौन सा वाला वर्ड आएगा यहाँ पर, नॉट, ठीक है, बस मीनिंग पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर्स चूज कर सकते हो। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट, वी वर सरप्राइज्ड टू नो हिज डिसेंट, डिसेंट 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 और नन ऑफ द अबव, चार ऑप्शंस हैं, दोनों सबकी प्रोनंसिएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सो अब चूज करो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन और बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली आप आंसर तभी कर सकते हैं व्हेन यू नो द मीनिंग। सो एक बार चेक करते हैं आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। अगर हम फर्स्ट वर्ड देखें, दैट इज़ डिसेंट, तो हम बोलते हैं ये काफ़ी डिसेंट पर्सन है, इट इज़ अ क्वाइट इट इज़ अ डिसेंट प्रपोजल, डिसेंट पर्सन, दैट मीन्स फेयर, फेयर एज इन जो सही है, आप उससे सैटिस्फाइड हो, फेयर सैटिस्फैक्ट्री, जो चीज़ आपको सही लगती है, जिस चीज़ से आप सहमत हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूविंग समवेयर, जनरली यू नो डाउन पोजीशन, मतलब नीचे की तरफ मूव करना, मूविंग डाउन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, मोशन बट डाउनवर्ड्स। उसके बाद आता है डिसेंट,
डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, जिसमें आप अग्री नहीं कर रहे हो या फिर आप रिफ्यूज कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिसेंट. अब ऑप्शंस देखो और क्वेश्चन देखो. वी वर सरप्राइज टू नो हिज डिसेंट, नहीं हो सकता, ठीक है. वी वर सरप्राइज टू नो हिज, सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता. वी वर सरप्राइज टू नो हिज डिसेंट, हमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ उसका डिसअग्रीमेंट देख कर या डिसएग्रीमेंट समझ कर कि उसने ये चीज़ रिफ्यूज़ कर दी है. सो ऑप्शन सी इज़ द अप्रोप्रिएट वन. ये सारे मीनिंग्स आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा, बिकॉज बहुत सारे होमोफोन्स होमोनियम्स होते हैं. जो भी नया आप सीख रहे हैं, इनमें से कोई आपको लगता है आपने नया सीखा है, तो नोट डाउन करते जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. ऑल राइट, क्वेश्चन फोर. He dash many points in favor of his case. Cites, cites, cited, cited. We have four options. Almost the same pronunciation. Again, ये हमारे पास homophones हैं. अब हम पहले हम meaning देखते हैं. Cite, हमारे पास पहला word है cite. Cite करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का reference देना, ठीक है? Point of view बताना. रेफरेंस देना मतलब सी आई टी ई, साइट. ये वाली साइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ये स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है, ये साइट, ठीक है. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कोई लोकेशन. जैसे हम बोलते हैं ना, हम आज कोई जनरली अगर फील्ड वर्क करता है तो आज हम साइट पे गए थे, तो साइट पे गए थे, दिस इज द साइट, मीन्स द लोकेशन, ठीक है. और साइटेड ये है S I G H T, इसका मतलब होता है अ व्यू, ठीक है. अगर मैं बोलूँ इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट, अ ब्यूटिफुल साइट मीन्स अ ब्यूटिफुल व्यू, अ ब्यूटिफुल, ये वाला साइट आ जाए तो ब्यूटिफुल लोकेशन, व्यू लोकेशन. और जब आप किसी चीज़ की रेफरेंस दे रहे हो, व्यू बता रहे हो अपना, जो भी है किसी चीज़ की रेफरेंस दे के बात करो, तो यहाँ पर ही साइटेड मैनी पॉइंट्स, मतलब उसने काफ़ी सारे पॉइंट्स का रेफरेंस दिया इन फेवर ऑफ हिज केस, क्योंकि ये लोकेशन और व्यू की बात करता, तो ये नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. सबको मीनिंग्स क्लियर हो गए, तो आगे का क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन फाइव देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर गेव डैश टू द स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव द ऑप्शन काउंसिल, ठीक है. हमारे पास ऑप्शन क्या है? काउंसिल. देखिए कौन सा वाला काउंसिल यहाँ पे आना चाहिए. यहाँ पर एस ई एल है, सी आई एल है, सी ई एल है, और एक है काउंसिलर. कौन सा ऑप्शन सही है? चेक करो. द टीचर गेव काउंसिल टू द स्टूडेंट्स. जब हम इस काउंसिल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है एडवाइस, सलाह देना, ठीक है. ये वाली काउंसिल मीन्स अ ग्रुप. जैसे हम बोलते हैं ना, काउंसिल ने डिसीजन लिया, कमिटी ने डिसीजन लिया किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, जो एक ग्रुप बनाया जाता है उसे हम लोग काउंसिल बोलते हैं. जैसे हम बोलते हैं काउंसिल मेंबर्स, है ना. दिस इज अ रॉन्ग वर्ड. काउंसिलर, काउंसिलर कौन हो गया? एक काउंसिल का मेंबर को हम लोग काउंसिलर कहते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर टीचर काउंसिल देगा या काउंसिल? ऑब्वियसली एडवाइस देगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए. क्लियर हो गया सबको? आगे का क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन सिक्स, शी हेल्ड द डैश इन हर हैंड्स. ऑप्शन है हमारे पास रेन, आर ए आई एन, आर ई आई जी एन, आर ई आई जी एन एस, आर ई आई एन एस. ये हैं हमारे पास डिफरेंट होमोफोन्स. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ये क्या है? रेन. रेन का मतलब क्या होता है? बारिश. बारिश अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, है ना. शी हेल्ड द रेन, एक वर्ड होता है आर ए आई एन, एक होता है आर ई आई जी एन. आर ई आई जी एन का मतलब होता है रूल, कंट्रोल, ठीक है. किसी भी जगह का, किसी भी एम्पायर का, या कुछ भी कंट्रोल अपने हाथ में लेना, पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना. रेन इन हर हैंड्स, एक फ्रेज भी हो जाता है रेन इन हैंड्स, मतलब कंट्रोल इन हैंड्स. हाथ में कंट्रोल है, हाथ में रूल है, तो जिसके हाथ में पावर है उसके हाथ में रेन है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वर्ड.
समझ में आ गया रेन और रेन का मतलब, सबको नोट करते जाना साथ साथ हर वो वर्ड जो नया सीख रहे हो। नेक्स्ट देखो, आर एस मनोहर हैज़ अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेज। देखो ऑप्शंस है ट्रूप ट्रप ट्रूप ट्रूप, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोनंसिएशन है सबका, तो चेक करो कौन सा वाला सही होगा। देखिए आर एस मनोहर हैज़ अ गुड, जब हम ट्रूप की बात करते ना, इट मीन्स आर्मी, इट मीन्स फोर्स। ट्रूप का मतलब क्या होता है? फोर्स, आर्मी। जब हम बात करते हैं ये वाले वर्ड की, दीज टू वर्ड्स आर रॉन्ग, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। जब हम ये वाले ट्रूप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ एक्टर्स, डांसर्स, जो एक साथ काम करते हैं और ट्रैवल करते हैं, हु वर्क एंड ट्रैवल टुगेदर, ठीक है। डांस ग्रुप्स, म्यूजिक ग्रुप्स, एक्टर्स का ग्रुप होता है ना, जो किन्हीं प्लेज एंड ऑल के लिए साथ में ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, उस ग्रुप को हम लोग ट्रूप बोलते हैं। और ट्री आर डबल ओ पी ट्रूप आ जाए तो उसका मतलब होता है आर्मी, फोर्स। तो यहाँ पे हैज़ अ गुड ट्रूप फॉर स्टेज प्लेज, तो स्टेज प्लेज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आंसर डी होगा, टी आर ओ यू पी ई, डी इज द करेक्ट आंसर। दो होमोफोन सीखे हमने यहाँ पर रिलेटेड टू ट्रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द जज डिड नॉट एक्सेप्ट द डैश ऑफ द क्रिमिनल। प्लीज हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्लीज एक वर्ड होता है प्ली, प्ली का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, अर्ज, मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, ठीक है। इसी से एक वर्ड बना, एक और वर्ड होता है प्लीज। प्लीज़ हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी को हम बोलते हैं प्लीज़ हेल्प मी, है ना। एक और वर्ड बार हम प्लीज़ यूज़ करते हैं, प्लीज़ इज़ अ वर्ब। प्लीज़ वर्ब क्या होता है? जब किसी को खुश करते हैं, या फिर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी अ बुक, उस वक्त। अदरवाइज ये हो जाए तो ये इसका एस लग गया, मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। प्लीज़ ऑफ द क्रिमिनल, प्ली इज अ सिंगुलर वर्ब विच मीन्स रिक्वेस्ट, अर्ज, और इसी का सिंगुलर क्या हो जाएगा? प्लीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लीज। ये दिस इज द प्लूरल वन, दिस इज द सिंगुलर वन, ठीक है। एक रिक्वेस्ट, ज्यादा रिक्वेस्ट, उस तरीके से। तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए, जज ने क्रिमिनल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट, डोंट बी डैश टूवर्ड्स द वीक, डोंट बी रोड, डोंट बी रूड, डोंट बी रूड टूवर्ड्स द वीक। अब रोड तो सबको पता है क्या होता है ना, एवरी वन नोज वट रोड इज। रोड का मतलब सड़क, रास्ता। अब रूड, रूड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के साथ एक, हम कह सकते हैं कि एक गलत बिहेवियर करना, ठीक है, क्रूअल बिहेवियर करना, अच्छा बिहेव ना करना, बैड बिहेवियर वी कैन से, उस वक्त हम लोग रूड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? डोंट बी रूड टुवर्ड्स द वीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड एग्जैक्टली यही वाला पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अच्छे से जितने ज़्यादा वर्ड सीख लो उतने ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और अगर आप मुझसे पूछो कि होमोनियम्स होमोफोन्स पे कितने क्वेश्चंस होंगे, ओनली वन क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन। बहुत कम चांसेस होंगे कि मैक्सिमम ऑफ टू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, बट एक क्वेश्चन होगा, एक मार्क मैक्सिमम। हर टॉपिक में से आपको एक एक क्वेश्चन ही आएगा, सिर्फ प्रीपोजिशंस इज द टॉपिक जिसमें दो से तीन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, टेंस और वर्ब में से दो क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। अदरवाइज फ्रॉम ऑल टॉपिक्स देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सर्वेंट डैश द मैट, रूल रोल रोल रोल्स। वी हैव फोर ऑप्शंस, कौन सा वाला सही है? दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड। रोल, रोल मतलब जिसे किसी का किरदार निभाना, ठीक है। किरदार तो समझते हो ना, रोल ऑफ माई टीचर, आई प्लेड रोल ऑफ माई टीचर, मतलब मैं अपने टीचर का किरदार प्ले किया, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये रोल का मतलब क्या हो गया? रोल करना, जैसे मैट को रोल करने की बात की गई है, इस तरीके से रोल करना, फोल्ड करना, उसे हम लोग रोल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से हमें चूज करना है, तो सर्वेंट इज अ सिंगुलर पर्सन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रोल्स द मैट, मैट को रोल करा, ठीक है। सो ऑप्शन डी सबका आंसर सही है यहाँ तक, ईजी है ये क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन करेंगे अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11, दिस ईयर डैश हिट्स मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉट, ड्राफ्ट. हमारे पास ऑब्वियसली इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, ड्रॉट में से. दोनों होमोफोन्स हैं. अब बताइए कौन सा वाला सही है. ठीक है, देखो गेस करो, उसके बाद ऑब्वियसली मैं आपको आंसर्स बताऊंगी ही. अगर आपके पास आ जाए डी आर ए यू जी एच टी, इट मीन्स विंड और कोल्ड एयर. ठीक है, अनवांटेड कोल्ड एयर, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉट. अब आपके पास डी आर ओ यू जी एच टी आ जाए, इट मीन्स ड्राई वेदर, सूखा पड़ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि इन स्टेट्स में सूखा पड़ चुका है, ड्रॉट है, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई वेदर, जहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम रेनफॉल होता है. तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्रॉट हिट्स मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, डी आर ओ वाला आएगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 12, डैश डिस्टिलेशन ऑफ वाइन शुड बी स्टॉप्ड, इलिसिट एलिजिबल. हमारे पास यहाँ पर आप लोग नए होमोफोन सीख रहे हो, ये दोनों स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनंसिएशन सिमिलर है. स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनंसिएशन सिमिलर है. सो यहाँ पर कौन सा वाला होमोफोन आप लोग, कौन सा वाला वर्ड आप लोग चूज करेंगे, ये आपको करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो पहले हम लोग देखेंगे इलिसिट का मीनिंग क्या होता है और एलिसिट का मीनिंग क्या होता है. इलिसिट का मीनिंग होता है मैनेज टू गैदर इंफॉर्मेशन, जैसे डिफरेंट सोर्सेज से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, जैसे जनरली पुलिस करती है, कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में अलग अलग सोर्सेज से वो पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलिसिट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स. इलिसिट का मतलब होता है मैनेज टू गैदर इंफॉर्मेशन, करेक्ट कर लेना. इलिसिट का मतलब होता है मैनेज टू गैदर इंफॉर्मेशन, और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल. ठीक है, इलीगल, इलीगल मतलब जो कानूनी तौर पर एज पर द लॉज सही नहीं है. तो यहां पर देखा जाए तो क्या आना चाहिए, इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ वाइन शुड बी स्टॉप, मतलब इलीगल डिस्टिलेशन ऑफ वाइन जो है वो बंद की जानी चाहिए. नेक्स्ट दो और होमोफोन्स हैं, ये भी सीख लेते हैं, एलिजिबल एंड एलिजिबल. एलिजिबल का मतलब क्या होता है, आप इस जॉब के लिए, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, मतलब टोटली क्वालिफाइड हो. ठीक है, और एलिजिबल का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर टू बी रेड, जो पढ़ने में सही नहीं लग रहा हो. अगर मैं बोर्ड पे जो भी लिख रही हूँ आपको वो देखकर नहीं पढ़ा जा रहा है, आपके लिए क्लियर नहीं है वो व्यू, वो विजन, तो वो क्या है, एलिजिबल. ठीक है, जो सही तरीके से ना पढ़ा जा पाए, और एलिजिबल का मतलब क्वालिफाइड. एंड ऊपर के दोनों समझ में आ गए, तो यहाँ पर एज पर द ऑप्शन, एज पर द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए. आगे देखें नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 13, The public dash him as a leader. The public hailed him. None of these. हमारे पास, पहले मैं बता दूँ, this is ऐसा कोई word नहीं है. हमारे पास दो words हैं, HALE, HAIL. आपको choose करना है कौन सा वाला सही है. जब हम लोग HALE बोलते हैं या HAIL बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखना है अभी हम लोग को यहाँ पे. तो जब HALE बोला जाता है, HALE का मतलब होता है हेल्दी. ही इज हेल एंड फाइन, ही इज हेल्दी एंड फाइन. ठीक है, HAIL ये एक वर्ब है, एक्शन बताता है. क्या एक्शन, जब आप किसी का स्वागत करते हो, टू वेलकम, हिंदी में बोलें तो स्वागत, स्वागत करना मतलब हेल करना. तो द पब्लिक HAILED हेल्ड हिम एज अ लीडर, पब्लिक ने उसका स्वागत किया एज अ लीडर. तो ऑप्शन बी हमारा
यहाँ पर सही आंसर होगा. ऑल राइट, करें नेक्स्ट क्वेश्चन. साथ साथ ये वर्ड्स लिखते जाना, अगर लिखना नहीं है बाद में लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, सो दैट जब पढ़ो तो समझ में आए. आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड्स, शी हैज़ अ डैश थ्रोट, सोर 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 सोर. हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो होमोफोन्स निकल कर आते हैं, एक है सोर एक है एस ओ आर ई. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम ये वाला सोर बोलते हैं इट मीन्स खट्टा खट्टा टेस्ट जो होता है. ठीक है, सोर हम बोलते हैं ना, फ्रूट्स आर सोर है ना, लेमन इज सोर, ऐसा हम लोग बोलते हैं. दैट मीन्स जिसका टेस्ट लेमन लाइक होता है, खट्टा होता है, वो टेस्ट को ये किसके लिए यूज़ होता है, टेस्ट के लिए. ठीक है, इसका मतलब पेनफुल. तो जो उसका थ्रोट है, जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि गला खराब है, गले में दर्द है, तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट, मतलब पेनफुल है हमारा थ्रोट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस ओ आर ई. तो ऑप्शन बी है सबका आंसर. ठीक है, जिसका गलत है वो करेक्शन कर लो, ऑप्शन बी है क्वेश्चन 14 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखो ध्यान से. महात्मा गांधी वॉज डैश इन 1948 किल्ड असैसिनेटेड, नन ऑफ दीज. इसका आंसर ध्यान से देखना, ध्यान से देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगा. ध्यान से देखो और ध्यान से आंसर करो. We have two words here, kill, assassinate. दोनों का मतलब ही होता है मारना. ठीक है, दोनों words का मतलब क्या होता है, मारना. But क्या है यहाँ पर, यहाँ पर भी मारने वाली ही बात है, मारना ही मीनिंग है यहाँ पर बेसिकली. बट हमने दो अलग अलग वर्ड्स ऑप्शन में क्यों दिए हैं और क्यों चूज करेंगे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल चूज किल हेयर, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन सी है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किल एंड असैसिएट, असैसिनेट. किल का मतलब हो गया मर्डर करना. ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न किसी को मार देना. और असैसिनेट का मतलब होता है किसी को मारना, बट विद अ फुल प्लानिंग, प्लानिंग के साथ किसी को मारना. और बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीज़न्स, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न्स, उसको हम बोलते हैं असैसिनेट. ठीक है, असैसिनेट करने का मतलब भी मारना होता है, बट विद फुल प्लानिंग, बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रीज़न्स. तो यहाँ पर महात्मा गांधी का भी जो डेथ था, दैट वॉज, ही वॉज असैसिनेटेड बेसिकली. सो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के जो ये सेशन है, मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चंस रखे हैं. व्हाई, बिकॉज आप यहाँ पर ग्रामर नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप नए वर्ड सीख रहे हो. तो एक दिन में इतने वर्ड सीखे काफ़ी है. डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए और नया सेशन लाऊंगी होमोफोन्स और होमोनियम्स का, जिससे आप लोग और नए वर्ड्स और नए तरह के क्वेश्चंस करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा. मैं आने वाले सेशंस में आपके लिए और होमोफोन्स और होमोनियम्स के सेशन ज़रूर लाऊंगी. ठीक है, अभी जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था, हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ वोकैबुलरी एंड इडियम्स करेंगे तो हियर आई एम. चलिए, फर्स्ट है सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग आर. पहला वर्ड है रेक्टिफाई. रेक्टिफाई का मीनिंग क्या होता है, टू बिल्ड, करेक्ट, डिस्ट्रॉय और कमांड. तो रेक्टिफाई करने का मीनिंग क्या होता है, सही करना. ठीक है, टू रेक्टिफाई समथिंग दैट मीन्स उसे करेक्ट करना. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी है ना. सेकेंड देखो, सेकेंड वन इज पैरामाउंट. ऑप्शंस हैं आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइड एंड एक्सटेंसिव, अबव अदर्स इन रैंक ऑफ अथॉरिटी और फेमस. तो पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्शंस में से और चूज करो व्हाट शुड बी द मीनिंग. तो पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ऊपर, ऑप्टिमल. ठीक है, बाकी चीज़ों से ऊपर, इन रैंक और इन नंबर, कुछ भी हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, अबव अदर्स इन रैंक ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन सी. क्लियर, नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड है इंटरिम. आपके पास ऑप्शंस हैं टेम्प्रेरी, इंटरनल, टाइमली और इंटरवल. इंटरिम का मतलब क्या होता है, इंटरिम हम बोलते हैं ना, इंटरिम टाइम के लिए, इट मींस टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो इंटरिम का मतलब क्या होता है, जो टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है, समझ गए. नेक्स्ट वर्ड होता है मिटिगेट. मिटिगेट के लिए आपके ऑप्शंस क्या है, सेंड ऑन अ मिशन, पार्डन, सॉफ्टन,
सॉफ्टन और टू हील. तो देखिए चूज कीजिए क्या आंसर होना चाहिए मिटिगेट का. जनरली मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी का पेन कम करना, ठीक है, किसी का दुख कम करना, लेसन समथिंग, रिड्यूस करना. तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखा जाए तो मिटिगेट का फ्रॉम द ऑप्शंस हमारे पास क्या मतलब आएगा, टू हील, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ एट लास्ट आई हैव टू idioms एंड phrases बेस्ड questions. लास्ट टू questions हैं, बहुत ईजी हैं, आप लोग ईजिली कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज lion's share. Lion's share को मतलब क्या होता है, लुक angrily, गुस्से से देखना. मेजर शेयर, ज़्यादा पार्ट. माइनर शेयर, कम हिस्सा. या हार्ट ऑफ द प्रे, जो आपका शिकार है उसका हार्ट. lion's share का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि मेरा शेयर लाइन शेयर, दैट मीन्स मेरा जो हिस्सा है वो ज़्यादा है. ज़्यादा हिस्सा होना, बड़ा हिस्सा होना किसी चीज़ में, दैट मीन्स द लाइन्स शेयर. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मेजर शेयर. नेक्स्ट इज बैग एंड बैगेज. ऑल द क्लोदिंग विदाउट एनी बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग्स का मतलब होता है आपसे जो आपके रिलेटेड चीज़ें हैं, आपका सामान, ठीक है. लीव और विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स. तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है आपकी सारी, ना कि सिर्फ कपड़े, आपका हर तरह का सामान, जैसे हम बोलते हैं ना अपना बोरिया बिस्तर, मतलब आपका जितना भी सामान है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर सेकेंड वन, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के लेक्चर, ग्रामर लेक्चर्स यूट्यूब पर भी हैं. पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ. अगर आप लोगों को प्रॉपर जेके एसएसबी के अकॉर्डिंग कोर्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर लो. वहाँ पर इंग्लिश जेके एसएसबी एग्जाम्स का एक प्रॉपर कोर्स है जिसमें सभी टॉपिक्स इन डिटेल विद क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं. आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. सो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.